शौरिस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कैसा लग रहा है बिग बॉस में जाके आप आए हो? और जब जब फिनाले आता है, ऑडियंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि कौन जीतेगा, जी कौन टॉप टू में रहेगा। तो अभी तो फिलहाल आप बिग बॉस में जाके आए, जैसे बिग बॉस 16 में भी आप गए थे, जी जी 17 में भी गए थे, तो जी जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पर? देखो, आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि मतलब दोबारा मौका मिला है रियलिटी शो में आने का, जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है बिग बॉस। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, और एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स एंडेमॉल टीम एंड कलर्स टीम, जो जिनको लगता है कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं अंदर जाकर सही तरीके से लोगों को गाइड कर पाऊँ। एंड इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर मी बिकॉज आई एम द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर टू स्टेप इनसाइड द बिग बॉस हाउस, डेट इज़ वन। टू, आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर टू बी ऑन रिपीट बैक टू बैक ऑन द सीजन्स। एंड थ्री, 17 बिग बॉस के 17 सीजन्स की हिस्ट्री में आप किसी का भी स्क्रीन टाइम उठा के देख लेना, द मैक्सिमम स्क्रीन टाइम वॉज 14 मिनट्स, एंड मेरा लास्ट सीजन का अकेले का स्क्रीन टाइम वॉज 25 मिनट्स इनसाइड द हाउस एंड 4 मिनट्स विद सलमान सर। तो ये बहुत ही, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर मी, और दोबारा बिग बॉस ने मुझे न्योता दिया आने का। नाउ बिग बॉस फील्स लाइक होम टू मी। बीच बीच में मन में आता है कि नेक्स्ट टाइम शायद OTT में या पूरे प्रॉपर सीजन में, सीजन 18 में भी आऊँ, बट समथिंग होल्ड्स मी बैक, दिस इज़ नॉट मी। क्योंकि देखो, खून सबका गर्म होता है, मैं पंजाबी हूँ ऊपर से, तो डैट विल नॉट सूट माई पर्सनैलिटी। अदरवाइज यू नो द टीम टेल्स मी डैट इट विल बी ग्रेट अगर आप कंटेस्टेंट की तरह घर में आए, इट विल बी रियली गुड फॉर द शो। डैट इज़ समथिंग आई विल यू नो नेवर डू, नॉट एट लीस्ट फॉर अनदर 5-6 ईयर्स। इस बार बिग बॉस में टॉप 5 हमें मिल चुके हैं बिग बॉस 17 के, जी अंकिता, और आपने सारे प्रिडिक्शंस भी किए हैं अपने जी घर पे जाके। तो एक एक करके पूछना चाहूंगी, अंकिता के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जिस हिसाब से उनका जो जर्नी रहा है इमोशनली अपने हस्बैंड के साथ और बाकी सब कंटेस्टेंट के साथ, कि वो ज़्यादा अपने रिश्ते को लेके काफ़ी चर्चा में रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अंकिता जी का ना मंगल है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस दर्शाता है सबकॉन्शियस माइंड को, और मंगल दर्शाता है रिश्तों को। अब जब सेकंड हाउस में मंगल आ जाता है ना, तो ओनली थिंग दैट गिव्स अंकिता पीस इज़ रिलेशनशिप्स, हेल्दी एंड प्योर रिलेशनशिप्स। वही चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा चाहिए, और वही उनकी प्रायोरिटी भी है, ठीक है। लेकिन उसी वजह से, शो की वजह से कह लो, या आपस में बाकी कंटेस्टेंट्स के द्वारा कुछ किया गया, उस वजह से आपस में कड़वाहट ज़रूर आई थी, बट अंकिता इज़ मैच्योर इनफ चीज़ें समझने के लिए कि ये तो एक शो है, इसके बाद भी लाइफ है। और अंकिता बहुत यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस चीज़ को लेकर, चाहे जो मर्जी हो जाए, शी विल नेवर लेट एनी थिंग कम इन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड विक्की भैया। सो द थिंग इज़, द अदर बेस्ट थिंग अबाउट अंकिता इज़, जो कल ऑन एयर भी हुई थी, वो ये था कि अंकिता का ऑरा ऐसा है, और उनकी कुंडली में गुरु 12वें स्थान का, जो उन्हें बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव बनाता है और जो मैनिफेस्टेशंस करवाता है, और ऐसे लोगों के साथ कोई कुछ एनर्जीज चलती हैं जो उनके काम करवाती हैं। तो उनके हॉरोस्कोप में एक चीज़ है कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, वो जिनके साथ भी रहेंगे उन लोगों की तरक्की होना निश्चित है, शाश्वत है, जिसका प्रमाण आप सभी देख सकते हैं। जब वो सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ थे, तो कैसे वो एक टीवी अभिनेता से सीधा फिल्म अभिनेता बन गए थे, और काफ़ी राइज मिला था। अगेन दे स्प्लिट अप, ब्रेकअप हो गया था, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर विद अस। एंड उसके बाद आप देखो, विक्की भैया से उनकी शादी हुई आज से कुछ समय पहले, तो उसके बाद देखो विक्की भैया को कितना फेम मिला है। आज अगर हम विक्की भैया को जानते हैं, आज अगर एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल जनता के लोग उन्हें जानते हैं, तो अंकिता जी के वजह से ही जानते हैं, राइट। बिग बॉस में आना भी उनका जो पेवेट था, वो तो अंकिता जी ही रहे हैं ना। तो इसीलिए अब अंकिता जी और विक्की भैया के बारे में अगर बोलूँ, दोनों नंबर वन है। अंकिता जी है 19 दिसंबर बॉर्न, 1+9 इज़ 1। विक्की भैया का बर्थडे होता है 1 अगस्त को, अगेन नंबर वन। जो नंबर वन के लोग होते हैं ना, वो सूर्य प्रेरित होते हैं, सूर्य उनकी कुंडली में बहुत प्रबल होता है। अब सूर्य का काम क्या है? खुद जलकर दूसरों को रोशन करना। अब जलना यानी गर्मी, गर्मी यानी एग्रेशन। तो जो सूर्य से प्रबल लोग होते हैं, उनमें ना एग्रेशन एक बाय बर्थ होता है, ईगो बाय बर्थ होती है, प्राइड बाय बर्थ होती है। इसी वजह से उन्हें मैंने बोला है कि जब तक झगड़ों में
एक इंसान अपनी ईगो को नीचे रखेगा, वो रोल्स चेंज होते रहेंगे। यानी कभी हमने शो में भी देखा है, कभी अंकिता जी विक्की भैया को समझा रहे हैं और सॉरी फील कर रहे हैं, और ऐसा भी तो हमने देखा है कि विक्की भैया एट द सेम टाइम जब उन्हें लगा मेरे से कोई गलती हुई है तो वो उन्होंने भी कंसोल किया अंकिता जी को। तो जब तक ये मनाने का सिलसिला चलता रहेगा इस रिलेशनशिप में, दुनिया का कोई भी फैक्टर आ जाए, दुनिया का कोई भी रिश्तेदार आ जाए, उनके रिलेशन को तब तक आँच नहीं आएगी जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे कि, जब वो उनके खुद में ही रहेगा ना, साथ नहीं रहना, सिर्फ वही चीज़ एक प्रॉब्लम बनेगी स्प्लिट होने में, जो कि नहीं है। क्योंकि क्योंकि अंकिता जी के लिए विक्की भैया ही लाइफ है, एंड सेम इज़ फॉर विक्की भैया। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में तो मेरे को नहीं लगता कि अंकिता जी इसको किसी भी तरह से डगमगाने देंगे, और ये रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा कभी भी। तो बात करूँ मनारा की, तो मनारा एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती है, जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद क्या उन्हें उस बात का, वो पर्क्स हम जिसे कहते हैं, क्या पर्क्स उन्हें वो मिली हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो भी अभी तक काम किए हैं शुरू से लेकर आज तक, चाहे वो बिग बॉस पे आना हो, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री में काम करना हो, उन्होंने अपने टैलेंट और अपने बलबूते पे किया है, क्योंकि वो ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं। क्योंकि उनकी कुंडली में एट द सेम टाइम ये योग भी है कि जब जब वो रिलायंस रखेंगे दूसरों के ऊपर कि मैं रिलाई करती हूँ कि ये इंसान मेरे काम आ जाएगा या ये इंसान मेरी सपोर्ट बन जाएगा, उनके साथ कभी भी नहीं होना होना कभी भी नहीं होगा। तो मैं उन्हें भी अंदर यही समझा के आया था जो ऑन एयर नहीं हुआ, कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना पड़ेगा, बी योर ओन सपोर्ट। जब अपनी सपोर्ट आप खुद में ढूंढ लोगे ना, तब दुनिया में किसी इंसान की सपोर्ट की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा हमने देखा, अदरवाइज अगर मैं सोल की बात करूँ, बहुत ही प्योर हैं, बस इमोशंस चंद्र केतु साथ है उनकी कुंडली में। चंद्र केतु चंद्र ग्रहण बनता है, चंद्र दर्शाता है दूध को, केतु दर्शाता है खट्टे को। तो दूध में एक ड्रॉप नींबू की डाल दो, फटेगा तो दूध ही ना, खट्टे को तो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब खराब क्या हुआ, दूध यानी चंद्र यानी इमोशंस। वो इमोशंस चंद्र ग्रहण की वजह से, वो इमोशनली वीक होने की वजह से ना, शी टेंड टू यू नो लुक आउट फॉर सपोर्ट इन अदर्स। वही उनके लिए एक गाइडेंस है कि अपनी सपोर्ट बनो, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और उनकी कुंडली में इस टाइम शनि और राहु बहुत प्रबल हैं। शनि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा, बहुत ज़्यादा काम देगा, लेकिन जब शनि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सूर्य को वीक होना पड़ता है। सूर्य है हेल्थ। कभी कभी हम देखते हैं, कभी कुछ इंसान काम में इतना बिजी हो जाते हैं वो हेल्थ का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो उसमें से मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने अभी के देखो 5 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 4, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, राइट? तो ये गलत है। तो उनको भी यही गाइड करके आया हूँ कि काम में इतना व्यस्त ना हो जाना कि खुद की हेल्थ पर वो टॉल आए, क्योंकि फिर हेल्थ कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हेल्थ को वापस लाना। तो शनि राहु जब प्रबल होते हैं, राहु दर्शाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, तो बहुत ही जल्दी वेब, OTT, म्यूज़िक वीडियोस, ये सब OTT डिजिटल है, तो इनमें आप उन्हें काम करता देखोगे। एट द सेम टाइम शनि जब बहुत प्रबल होता है, शनि दर्शाता है साउथ दिशा को, तो ये साउथ दिशा यानी साउथ मूवी, साउथ इंडस्ट्री उनका वेट कर रही है, उनको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जो कि आप आने वाले टाइम में देखोगे। बात करें अरुण जी की, अरुण के बारे में ये बोला गया कि वो लक बाय चांस यहाँ तक आ गए, तो उनके स्टार्स देखिए जी, प्लान्स जो क्या उन्हें है? जो जो उनका यूट्यूब चैनल देखते हैं, क्या नाम है उनके यूट्यूब चैनल का, मैं वो मिस आउट कर रहा हैदराबाद हूँ, से है। हैदराबाद से, वो तो मेरे को पता है, इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ चार मीनार। तो उनके जो यूट्यूब, सॉरी मैं उन्हें फॉलो नहीं करता हूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे मैं ज़रूर फॉलो कर रहा हूँ उनको। तो गेमिंग में भी काफ़ी लोगों को लगता होगा, उन्हीं के रिश्तेदारों को भी लगता होगा, यार ये कैसे, ये तो कुछ भी कर रहा है ना, मतलब कुछ नहीं कर रहा फिर भी नाम है ना। ऐसे नहीं होता, कई लोग भाग्यवान होते हैं। भाग्यवान होना गलत है क्या? भाग्यवान होना गलत है नहीं, है ना? भाग्य भाग्य साथ है, तो जब भाग्य साथ है तो किसी इंडिविजुअल की जरूरत जरूरत भी क्यों है सपोर्ट के लिए? भाग्य साथ था, सेल्फ मेड बने हैं, अपने आप खुद फेम कमाई है, खुद बिग बॉस में आए हैं और खुद फाइनलिस्ट बने हैं। उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स की तरह किसी का पल्लू तो नहीं पकड़ा ना फाइनलिस्ट बनने के लिए। एक रियल फ्रेंडशिप थी उनकी, वो भी कंटेस्टेंट आउट हो गए, ठीक है, तहलका, तहलका से बहुत प्योर फ्रेंडशिप थी। तो अगर तहलका जी फाइनलिस्ट तक होते तो हम कह सकते थे कि तहलका का पल्लू लेके या तहलका जी इनका पल्लू लेके आगे तक पहुंचे हैं, सोलो खेले, राइट? तो इसमें किस्मत का हाथ है। तो जब किस्मत बलवान हो तो इंसान क्या चीज़ है, ठीक
ठीक है, तो ऐसे लोगों को पता है क्या, राहु उनका सूरज को देख रहे हैं, उस वजह से लोगों को लगता है इसको तो बस मिल गया, ये तो बस फाइनलिस्ट बन गया, या इनका यूट्यूब चैनल बस चल गया। अरे उनके पीछे की जो सपोर्ट है, स्पेशली बिग बॉस की अगर बात करें, अकेले रहकर सारा इतने 100 दिन टिकना, बिल्कुल अकेले में रहकर, इजी है, कोई भी नहीं कर सकता है, किया है उन्होंने, सो व्हाई डोंट ही डिजर्व टू बी अ फाइनलिस्ट, राइट? बात करें मुनावर के, उनके जो रिलेशनशिप, जब वो घर पे आए तो वो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, फिर वो उनके जो बाकी सब जो रिलेशन सेपरेटेड सेपरेटेड है, जी, तो अभी उनके जो भी एक्स गर्लफ्रेंड हो, प्रेजेंट हो, जिनको बैकअप में रखा है, सब चीज़ सारे रिश्ते बिग बॉस में आ गए, तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो गए देखिए, मैं हैं। आपका ना इस बात का, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं इस बात का थोड़ा सा ना इसको एलैबोरेट करके आंसर करना चाहता हूँ, मुनावर पे बाद में आऊँगा, उससे पहले आपको ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक श्लोक बताऊँगा, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अक्ल व किस्मत हो। यानी कि आदि कलम विधाता ने लिखी होती है, जिसको कहते हैं दृढ़ प्रारब्ध कर्मा, यानी आप किस घर में जन्म लोगे, कब जन्म लोगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये निश्चित है पहले से ही, इसको कहते हैं दृढ़ प्रारब्ध कर्म, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आप किससे शादी करोगे, ये भी दृढ़ प्रारब्ध कर्म है, इसलिए कहा जाता है दैट यू नो जोड़ियाँ हेवन से बनती हैं, ये फ्रेज हम यूज़ करते हैं, सारी दुनिया यूज़ करती है, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, तो ये भी प्री डेस्टिंड होता है। फिर आपके औलाद क्या होगी, कितनी होगी, कब होगी, ये भी प्री डेस्टिंड होता है। बाकी की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम टेम्पर कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से, बिकॉज कोई आदमी ग्रो कितना करेगा, इसका ना कोई पैरामीटर नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता सकता कि आप जीवन में 10 करोड़ कमाओगे या 100 करोड़ कमाओगे, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि आपकी कुंडली में ये आपके ग्रह हैं, आप अपने स्वभाव को अपने ग्रहों के साथ अलाइनमेंट में ले आओ, आपका ग्रोथ निश्चित है। अगर सो किस्मत को आप एक करंट की तरह समझो, पानी के एक फ्लो की तरह, अगर फ्लो के साथ चलोगे तो बहुत स्मूथ राइड है, फ्लो के अगेंस्ट चलोगे तो टर्बुलेंस तो आनी आनी है, राइट? अब कहने का मतलब, हम जो भी भुगतते हैं उसमें हमारे कर्म भी होते हैं, ठीक है? तो आदमी गलत नहीं होता, लेकिन आदमी गलत दिख जाता है, ठीक है? क्या मुनावर अंदर से चाहेंगे मेरी 10 गर्लफ्रेंड्स हो? कोई नहीं चाहता है, ऐसा कोई नहीं चाहता है। कोई चाहेगा कि मतलब क्या अभिषेक चाहते थे वो समर्थ को चाटा मारे? चाहता कोई नहीं है, गलतियां हो जाती हैं और वो ग्रह करवाते हैं उसमें, चाहे मतलब मुनव्वर का एस्ट्रोलॉजी में चाहे इंक्लिनेशन हो चाहे ना हो, लेकिन जो कुछ भी दुनिया में होता है करवाते तो स्टार्स ही हैं जी। हम तो गाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, यही एस्ट्रोलॉजर का रोल है। एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी साधु, कोई भी गुरु आपका जीवन परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगर इस दुनिया में कहीं पर मैजिक है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, वो मैजिक आपके अंदर है। एक एस्ट्रोलॉजर का, एक बहुत अच्छे गुरु या साधु का ये रोल है कि उन्हें वो रास्ता दिखाना, गाइडेंस। अब वो गाइडेंस को एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना वो उनके ऊपर ही है ना, तो चाबी किसके हाथ में हुई, करने वाले के, ठीक है? अब कमिंग बैक टू द मुनावर्स पॉइंट ओनली, अब उनके वीनस और राहु ऐसे ही हैं, वीनस दर्शाता है रोमांटिक रिलेशनशिप को, राहु भटका देता है और राहु फोकस लूज कर देता है। तो अगर किसी एक इंसान को एक गर्लफ्रेंड में फोकस दिख जाए, पीस मिल जाए, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है ना कहीं और जाने की। यही तो होता है, जहाँ आजकल कुछ रिश्ते ऐसे ही हैं कि साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, वो क्यों है? क्योंकि दे फाइंड पीस इन ईच अदर्स, राइट? तो वीनस राहु को क्लैरिटी खो देता है। अब इसमें हम वीनस राहु को तो भूल जाते हैं, कोई ले मैन के लिए जो ज्योतिष नहीं समझता, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी ना मुनावर गलत है। गलत ग्रह होते हैं, तो जब कोई अच्छा करते हैं तो वो भी ग्रह करवाते हैं, जब कुछ बुरे इंसिडेंट्स होते हैं वो भी ग्रह करवाते हैं। हम तो गाइड कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वीनस राहु होने की वजह से वो क्लैरिटी मिस आउट हो जाती है। वो आदमी का फोकस होता है कि मैं यहाँ भी देख लूँ, वहाँ भी देख लूँ, वहाँ भी देख लूँ, जब मन होगा सेटल करने का। तो ऐसे यही प्लैनेट वेमेनाइजर भी बनाते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा कि मुनावर यहाँ पे गलत नहीं है, वेमेनाइजर भी वीनस राहु ही बनाते हैं। यहाँ पे अगर राहु को कंट्रोल कर लिया जाए,
बाय फॉलोइंग वेरी सिंपल रेमेडीज, तो ये फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। अब वीनस राहु खराब थे तभी तो शादी टूटी, क्योंकि शादी भी वीनस ही दर्शाता है। अब वीनस राहु खराब है तभी रिलेशनशिप्स नहीं टिक रहे हैं। प्योरली वो नाजिला को चाहते हैं लेकिन आज वो रिलेशनशिप नहीं है ना, वीनस राहु की वजह से। ठीक है, इसलिए आगे भी उनका 3 साल का पीरियड ऐसा जहाँ पे राहु वीनस के ऊपर पूरी तरह से प्रबल है, तो वहाँ भी उनको अभी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। आगे अगले 3 साल अगर वो किसी रिलेशनशिप में भी पड़ेंगे, डेफिनेटली गना फील सम मतलब टर्बुलेंस इन दैट राइड। और मैं तो ये गाइड करूँगा 3 साल तक गृहस्थी बसाने का भी ना सोचें, क्योंकि उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सेपरेशन दोबारा हो सकती है। बात करूं लास्ट कंटेस्टेंट अभिषेक की, अभिषेक के बारे में आपने काफी चीजें अंदर जाके बताई है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए अभिषेक से तो मैंने लिटरली अंदर जाके वोट अपील की थी, वो टीवी पे नहीं आया। तो मैंने तो क्योंकि जिससे मैं सोल से सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाया, देखो मेरा काम स्पिरिचुअलिटी का, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी स्मॉल टूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और मैं स्पिरिचुअल हूँ तभी आई एम ब्लेस्ड विद दिस साइंस, राइट? तो मेरी स्पिरिचुअलिटी ने अगर मेरे को ज्ञान दिया तो मैं लोगों में भी वही ढूंढता हूँ। तो स्पिरिचुअल जो बंदा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है ना, उसकी सोल बहुत पवित्र होती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल इंसान कभी रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं बहुत शांत रहते हैं बुरी से बुरी इंसिडेंसेस में भी, बुरे से बुरे तनाव में भी, लेकिन कुछ लोग हैं जो रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, सोल जितनी प्योर अभिषेक के घर में ना, अरुण अरुण बाद में आते हैं, मतलब अरुण अरुण के बारे में भी मेरा सेम कहना है, लेकिन अरुण से अगर एक स्टेप ऊपर अगर हम देखें वो अभिषेक है। सो दैट वाज द ओनली रीजन दैट यू नो आई वाज कनेक्टेड विद हिम मोर। आप देखो इनके रिलेशनशिप में बिग बॉस में भी क्या हुआ, ईश्वर अभिषेक सबने देखा है कि कितनी गंदगी एक दूसरे को बोली गई, लेकिन लास्ट में जब भी वो माहौल ठंडा हुआ ना, हमने सबने अभिषेक को यही कहते सुना है कि नहीं यार मैं ही गलत हूँ, मेरी गलती है, ईशा बहुत अच्छी लड़की है। पर ये क्या ईशा की तरफ से कभी आया? दैट डिफाइंस द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। ठीक है, ईशा ने तो बाहर आकर भी मौका नहीं छोड़ा। अभिषेक जो नेचुरली उनका रोना निकल रहा था, वो इमोशंस बाहर निकल रहे थे, ईशान बाहर आते हम उन्हें इंटरव्यूज में देख रहे हैं कि मेरे को पता है ये भी वो क्यों कर रहे हैं। अभिषेक के बारे में एक चीज़ जो मैंने बोली अगेन वो ऑन एयर नहीं है, वो लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जब तक उन्हें कुछ गलत नहीं लग रहा। उनकी कुंडली में ऐसे हैं कि वो चाहे 1 साल बड़ा हो, चाहे घर में मेड भी हो ना, उनके पाँव छुएंगे, उनकी ऐसी नेचर है। तो ऐसी नेचर वालों को हम क्या समझेंगे? क्या आम लोग अपने घर की मेड के पैर छूते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? ठीक है, उनकी ऑरा में बहुत क्लियर है। चाहे अभिषेक से जब बाहर निकलेंगे पूछ भी लेना कि रिमी ने ऐसा बोला था, क्या आप ऐसा करते हो, यू विल गेट टू नो द आंसर्स। ठीक है, तो अगर मैं इस आदमी की सपोर्ट ना करूँ तो यू नो दैट्स द स्पिरिचुअल साइड ऑफ मी दैट यू नो दैट आई एम ऑल आउट फॉर हिम। तो मैंने तो लास्ट में ये बोला था कि जो आदमी इतना प्योर रहा है, गलतियाँ की हैं मानता हूँ, इससे ज़्यादा गलतियाँ तो बहुत कुछ हुई हैं जी, पर मैंने तो ये अपील की थी कि जो प्योरली खेले और अकेला खेले उसका जीतना तो बनता है। बात करूं अभिषेक पे, ये भी है कि ईशा उनके साथ जितना भी गलत करे वो फिर भी उनके पास ही जाते रहते हैं। उसका एस्ट्रोलॉजिकल कारण मैं बताता हूं अगर आप जानना चाहते हैं। उनकी कुंडली में अष्टम भाव में होता है सूर्य शुक्र और चंद्र। अष्टम भाव ना हिडन हाउस है, हिडन हाउस। चंद्र दर्शाता है इमोशंस को, यानी इमोशंस हिडन रहते हैं, यानी जो वो बोलना चाहते हैं या तो वो शब्द गलत यूज कर लेते हैं तो बुरा होता है, या जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल सही रहे हैं लेकिन सामने वाला गलत समझ जाता है। यानी ये इमोशंस का जो गैप है, ये जो कम्युनिकेशन का गैप है, वो इस वजह से है। सेकेंडली, वीनस जब चंद्र के साथ अष्टम बैठ जाए तो ऐसे इंसान को हमेशा रिलेशनशिप्स वैसे मिलते हैं जब सामने वाला उनके इमोशंस का फ़ायदा उठा ले, क्योंकि चंद्र 8 में इमोशंस तो वीक हो ही गए। अब जब किसी के इमोशंस वीक है तो वैसे लोगों को इमोशनल करके उनका फ़ायदा उठाना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। अगर ये पूछूं ईशा के साथ उनका फ्यूचर, बाहर आने के बाद भी काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बार बार अगर ईशा के पास वापस वो गए या उनके साथ फ्यूचर, देखिए ये उनकी कॉल है कि वो वापस जाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर बोलूं, वो करना उनके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा मड स्लिंगिंग हो चुकी है स्पेशली ईशा और समर्थ की तरफ से बाहर आकर भी। तो अगर अभी भी वो उनकी तरफ जाते हैं, उनकी तरफ इंक्लिनेशन, उनकी तरफ झुकाव रखते हैं, सो दैट विल नॉट गिव अ गुड यू नो एग्जाम्पल, देन ही विल नॉट सेट अ गुड एग्जाम्पल। उनका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, अभी घर से निकलते ही आप देखोगे बहुत बढ़िया काम करेंगे, और उनकी लाइफ का असली सॉलिड राइज 34 ईयर्स के बाद है। 34 ईयर्स के बाद अगर वो अपने आप को, नाउ द की इज, नाउ द सीक्रेट इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन,
ठहराव। अगर वो कंसिस्टेंट होकर काम करें, ठहराव रख कर काम करें, डिसिप्लिन रख कर काम करें, तो 34 साल के बाद अगर वो मूवीज़ में भी दिख गए ना, मेरे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वो होगा तभी जब ये तीन चीज़ें वो फॉलो करेंगे। मेरा ये बोलना कि 34 साल के बाद, इसका ये मतलब नहीं अभी फ्यूचर नहीं है, अभी बहुत सॉलिड फ्यूचर है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा स्टार बनने का योग है उनकी कुंडली में 34 ईयर्स के बाद, अगर वो अपने पैटर्न्स को बिल्कुल, अपने इमोशंस को बिल्कुल स्ट्रांग होकर एक कन्विक्शन रख कर आगे की तरफ अगर फ्यूचर देखें तो। ओके, बात करो टॉप टू की, तो आप किसे देखते हैं? पांचों की तो आपने प्रेडिक्शंस करी दी है, तो टॉप टू में आप किसे देखते हैं? देखिए, टॉप टू में मुनावर का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है, और इसके बाद अभिषेक और अंकिता का बहुत हिट एंड मिस रहने वाला है। और इसके अलावा मनारा के भी स्टार्स ऐसे हैं कि लास्ट वोटिंग उन्हें टॉप थ्री में लेके आ सकते हैं, बट विनर मैं उनको अभी भी कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, अरुण मिस आउट करने वाले हैं, बट यू नो वो मैं चाहूँगा नहीं कि वो मिस आउट करें, बट जो मेरे को दिखा, मेरा काम वो बताना है। ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, और अभी भी हाल ही में उनके साथ भी एक बहुत बुरी घटना हुई है बिग बॉस के जब घर में थे, दैट हिज वाइफ हैड अ मिस कैरेज, है ना। फिर भी देखो स्ट्रांग होकर एक ही दिशा में चलें, तो मैं चाहूँगा, अगर आप मेरे से पूछो, मैं चाहूँगा इवन अरुण भाई भी टॉप थ्री में आए, बट सितारे कुछ अलग कह रहे हैं इसमें। बात करो एस्ट्रोलॉजी तो आप करते ही है, इसके साथ साथ अभी हमने सुना फेस रीडिंग भी आप करने लगे। वो तो देखो अभी हम फेस रीडिंग आप ही के सामने, अभी कैमराज ऑन होने से पहले अभी मैंने की थी, तो उसका आप प्रिडिक्शंस तो आप देख ही सकते हैं ना कि मैंने क्या क्या प्रिडिक्शंस किए थे, उसके बारे में आपकी राय आप खुद बता सकते हैं जी। लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, और काफी एक्साइटेड आपको देखने के लिए बिग बॉस में सब रहते हैं जब फिनाले आता है, तो जी वो सब ऑडियंस के लिए और बाकी ओवरऑल सब। देखिए, इस सीजन का सबसे बढ़िया बूस्ट जो मेरे इंडिविजुअली मेरे लिए रहा है कि आई वॉज द पार्ट ऑफ द प्री फिनाले एंड दैट टू द लास्ट कट ऑफ इट, है ना, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और अगेन बिग बॉस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, सो अगेन आई वॉन्ट टू थैंक द होल एंडेमॉल एंड कलर्स टीम। सो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव बीन अ वेरी गुड सपोर्ट, आई विल नॉट नेम देम, वो करना अच्छा नहीं रहेगा। और मैं आप सभी का, मीडिया का भी इक्वली थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से भी जो मेरे को बूस्ट मिला है वो शायद सिर्फ बिग बॉस से ना मिल पाता। तो मैं वही कह रहा हूँ, लोग पहले सिर्फ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते थे, अब थोड़ा सा भगवान की कृपा से और आप सबके साथ से लोग थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, थोड़ा फेमस हो गया हूँ मैं, और लोग अब बोलते हैं ये बिग बॉस वाले एस्ट्रोलॉजर है। तो हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।